सचिया मोहब्बता ने भाइया। डिम्पी नाल की कम पै गया मासी जी? एक्चुअली मेरे कपड़े पता नहीं सब कहाँ हैं। अरे वो डिम्पी ने धुलने के लिए दे दिए, कल सवेरे आएंगे। पर मासी जी मेरे तो सारे कपड़े धुले हुए थे, मुझे मेरा नाइट ड्रेस निकालना था। ओहो, पर डिम्पी का दिमाग भी ना, जब देखो उल्टे सीधे काम ही करती रहती है। तू फिकर ना कर पुत्र, मैं ला के देती हूँ तुझे नाइट ड्रेस। जी ये ले सर पुत्र, चेंज कर ले। थैंक यू सो मच मासी जी। तभी घड़ी में रात के 12 बजते हैं। टन टन मासी जी, बस बाकी की स्टोरी कल सुनते ना प्लीज। पुत्र बस एक सीन सुन के जाए। एक मिनट, पूरी हवेली में सन्नाटा है। तभी किसी की दूर से चीखने की आवाज आती है। बंद करो ये नॉवल। ओ यार रिंपल, तू ना मैनू कदी ना कदी हार्ट अटैक कराएंगी यार। राज जी, तुझे अपने मास्टर जी का पता है ना, पूरी रात खत्म हो जानी है लेकिन इनकी नॉवल खत्म नहीं होनी। वो तू जा क्यों नहीं रहा है? सहर तुझे कब से वाजा मार रही है, हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम हो, जाके देख। मैं सॉरी। रिंपल रिंपल रिंपल, एक गल तो नहीं है सिंपल, तू जद भी ये प्रेम चोपड़ा वांग मस्कांदी है ना कुछ गड़बड़ जरूर होंदी है। कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ। अब जाओ ना, जाके अपनी दवाई खाओ, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ओके ओके ओके, गुड नाइट मास्टर जी। गुड नाइट पुत्र, गुड नाइट गुड नाइट। मान गए मासी जी आपको। हाँ आपने भी ना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है दोनों को करीब लाने के लिए। तू बस देखती जा हर्ष, वैसे भी मेरी कमान से निकला हुआ तीर ना हमेशा निशाने पर ही जाके लगता है। किसका तीर कहाँ कैसे लगेगा मासी जी, वो तो कल सवेरे ही पता चलेगा। सर सर क्या हुआ, तुम सब ठीक तो है ना? तुम ठीक हो? क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा क्या? अकेले रूम में डर लग रहा था सर। तबीयत खराब है क्या? थर्मामीटर लेके आऊं मैं? क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है? वो एक्चुअली ये है प्रॉब्लम। अच्छी तो लग रही हो। मुझे नहीं पसंद ऐसे कपड़े। सर तुम तो कनाडा रह के आई हो ना। सो व्हाट, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। मैंने आज तक कभी ऐसे कपड़े पहने नहीं है और ना ही कभी पहनूंगी, दैट्स इट। तुम क्या चाहती हो, ये ड्रेस मैं पहनूं? जो मैं पहनता। स्टूपिड, प्रॉब्लम ये है कि अब मैं क्या पहन के सोऊं? मतलब ये कि डिम्पी जी ने मेरे ऑलरेडी धुले हुए कपड़े धोने के लिए डाल दिए हैं। सो अनकंफर्टेबल। ऊपर से मौसी जी ने ये नाइट ही दे दी। हंसा बंद करो। लो एनर्जी गल, मैं हूं ना, मैं सॉर्ट करता हूं, रुको। हाँ टटर ना, ये रुको। ये क्या है? ये साड़ी और ब्लाउज। लेकिन ये तो कुर्ता पजामा है। सर जब दिख रहा है तो पूछ क्यों रही हो? लेकिन तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो? इस्त्री करने के लिए। लो मैडम प्रेस कर लो। सर ये तुम्हारे पहन के सोने के लिए, ये लो पहनो। ओह ओह।
सहर, एक बात याद रखना, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं करने दूंगा मैं। मैं जानती हूँ राजवीर, बहुत अच्छे से जानती हूँ, तभी तो तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। थैंक यू, मैं ये चेंज करके आती हूँ। इश्क सा छलका चढ़ता है, नशा नशा हल्का, मैं ता सच्चियां मोहब्बता निभाई। क्या सच्चियां मोहब्बता निभाई? फनी लग रही हूँ ना? नहीं नहीं सर, तुम क्यूट लग रही हो। थैंक्स। जा दरवाजा बंद कर लो। शराफ लिसन, तुम कहाँ जा रहे हो? बाहर हॉल में सर। अब टेंशन मत लो, कोई पूछेगा तो मैं बोल दूंगा कि मैं मूवी देख रहा था, देन आई विल एक्ट लाइक मैं सो रहा हूं। सो आई विल मैनेज। राजवीर प्लीज, देखो हम दोनों बच्चे नहीं है, दोनों मैच्योर हैं, हम एक साथ सो सकते हैं। सर नहीं, हम लोग जस्ट रिलैक्स। मेरे पास एक आइडिया। बोलो साइड। साइड? ओह गॉड स्टूपिड, मेरा मतलब कौन सी साइड ऑफ द बेड पे सोना पसंद करोगे, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे? वैसे मैं तो लेफ्ट पे ही सोऊंगी। हाँ बोलो। सर फिर तुम पूछ क्यों रही हो? एवी एवी आई सर बेड कम ना, वहाँ बॉर्डर ज्यादा लग रहा है। फर्क बस इतना है कि बॉर्डर के उस पार दुश्मन रहते हैं और इस बॉर्डर के आर पार दोस्त रहेंगे। पर सर इतनी सी जगह में नींद कैसे आएगी? अच्छा बात तब में जैसे बड़ी जगह थी। अरे मैं अपनी नहीं तुम्हारी बोल रहा हूँ, you know. Don't worry, I'll manage. तुम? It's a bit tough, you see, because to sleep like a king, एकदम पसार के सो। संभालती रहना। Good night. Good night. Hey Anuji, I hope आपको disturb नहीं किया। Oh no no no, not at all. Anuji मैं आपका ही check बना रहा था। सोचा कि आपसे पूछ लो कि आपको आपका चेक कोरियर करूं या मिलके लेना पसंद करेंगे। काट दिया? और हाँ थैंक्स टू योर कनेक्शन विद दीदी जी, तभी तो हमारे अकाउंट फ्रीज हो पाए। आपके बहुत एहसान है अनुजी हम पे, अगर आप ना होती तो हम कभी दीदी जी से मिले नहीं पाते और ना ही कभी ये शादी होती। So once again, thank you so much. So, check courier या मिलके? सिर्फ चेक से काम नहीं चलेगा। मतलब? मतलब कॉफी भी पिलानी पड़ेगी। Of course, done. कॉफी कब कहाँ? मैं मैसेज करती हूँ। I'm waiting. Good night. Good night. Hi Anurita, तुम मेरा बार-बार फोन क्यों कट कर रही हो? नाराज हो क्या? तुम किससे बात कर रही हो? Please call back. मैं किसी से भी बात करूं? ये कौन होता है पूछने वाला? Idiot. झूठा, मुझे कह रहा था कि मैं खराटे मारती हूँ, खुद को देखा है? हाय रब्बा। ये तो बॉर्डर क्रॉस कर रहा है। कल तो बाथरूम में था तो पता नहीं चला। कोई सोच सकता है कितना क्यूट दिखने वाला लड़का ऐसे राक्षसों की तरह खराटे मारेगा?
माय गॉड, इसने तो पूरा एलओसी खत्म कर दिया। समझ नहीं आ रहा कि बॉर्डर के उस पार है या इस पार। राजवीर, हेलो, अपनी तरफ हो किसो? ओ हेलो, अपनी तरफ उठ किसो? हाँ, उठ रहा हूँ। चल बेटा सहर, लगता है आज तुझे सोफे पे ही सोना पड़ेगा। लेकिन सोफे पे नींद कैसे आएगी? मन तो कर रहा है इसका नाम गला दबा दो। ओह यस, बॉबी। जी दीदी जी। मैंने तुम्हें कल कुछ कहा था ना? कल क्या कहा था दीदी जी? पिन्नी में कुछ मिलाने को। हाँ, कहा था, बिल्कुल कहा था दीदी जी, सब याद है मुझे। अच्छे से मिला दिया ना? बिल्कुल दीदी जी, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया, बड़ी चंगी तरह मिला दिया है। ठीक है, मैंने से बोला भी था, मैं पूरा फैल के सोता। रुई, इसका मतलब मैं भी खराटे? हाय रब्बा, पूरी रात परेशान हुई होने ये। हाय राम, रुई निकालो यार इसकी। सर को तो फीवर है। सर, पता नहीं की हो रहा होएगा। हे वाहेगुरु जी, सब ठीक करना। दीदा, प्लीज जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। दीदा प्लीज। डॉक्टर क्यों? दीदा बुखार। दीदा प्लीज डॉक्टर को बुलाओ। बुखार हो गया? दीदा मुझे नहीं हुआ है, सहर को हुआ है, प्लीज डॉक्टर को बुलाओ। सहर को बुखार? संजय जी जल्दी से थर्मामीटर ऑक्सीमीटर लाओ, फट फट प्लीज। हाँ हाँ हाँ, रुक जा, चिंता ना कर। दीदा जल्दी से डॉक्टर को फोन करके बुलाओ, ठीक है? मैं शहर के पास हूँ, प्लीज प्लीज आप डॉक्टर को बुलाओ। थर्मामीटर कहाँ है? घबराना राजवीर, ये सब तो पिन्नी का असर है। शहर को बुखार हो, ये तो मेरा मकसद था। जो काम मासी जी नहीं कर पाएंगे ना, वो मैं करके दिखाऊंगी। राज, सहर नु की हो यार, बुखार हो गया है। रात तक तो चंगी भली थी। सहर पुत्र, ये तूने क्या पाया हुआ है? मैंने जो ड्रेस दी थी तुझे। मासी जी, सहर ने वही ड्रेस पहनी थी, पर वो एकदम से कपकपाने लगी तो मैंने उसे अपना कुर्ता पजामा दी थी। डॉक्टर साहब, की होया? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? घबराने वाली बात तो है दीदी जी। हाय रब्बा, की होया? इनको वायरल हुआ है, और ये जो वायरस है ना, काफी कंटेजियस है जी, बहुत जल्दी चुटकियों में फैलता है। और आपको तो पता ही है जी कि आजकल क्या हालात चल रहे हैं। तो फिर अब क्या करें डॉक्टर साहब? मैं तो यही कहूंगा कि दोनों को क्वारंटाइन कर दीजिए जी। एक सेकंड, दोनों मतलब? कमाल के डॉक्टर हैं आप। राजवीर तो भला चंगा है, फिर इसे क्यों? देखिए, पेशेंट के सबसे पास में यही थे, तो ऐसे में बहुत हाई चांसेस हैं कि राजवीर जी की बॉडी में भी वायरस के जर्म्स हों। तो मेरी बात मानिए, इन दोनों को क्वारंटाइन कर दीजिए, एक कमरे में बंद कर दीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, फिर राजवीर तू एक काम कर, तेरी जरूरत की जितनी भी चीजें है ना, तू सब कुछ यहाँ कमरे में ले आ, ठीक है? दीदा, लेकिन मैं कैसे ये सब? राजवीर, क्या कहा है डॉक्टर ने? हाँ, ये जो वायरस है ना, कंटेजियस है, फैलता है। तू इधर रह, इधर संभाल, बाहर हमने सब संभाल लेना है ना मासी जी। हाँ हाँ। रिंपल, मैनु नहीं लगती ये गल सिंपल। मासी मास्टर जी, आप लोग बाहर चलो ना, डॉक्टर ने कहा ना, प्लीज दूर रहो, बाहर चलो आप, बाहर चलो।
चलो 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 टेंशन ना ले, मैं सब संभालना है। तू इधर है, तू अंदर है। दीदा लेकिन डॉक्टर प्लीज समझा दीजिए। जी दीदी जी। हां जी दीदा। राजवीर जी शायद आपको पता नहीं है, सहर जी का फोन गुम हो गया था करण पाजी से, तो उन्होंने ये नया फोन भेजा है। इसमें करण और परम दोनों वीडियो कॉल पर हैं। हाय करण परमवीर जी। हाय हाय राज। डॉक्टर राज सब ठीक है ना? और सहर का है? सहर एक्चुअली वो सहर को वायरल हो गया है। क्या? हम अभी आते हैं। नहीं 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 I mean, आप लोग के आने में मना ही नहीं है, just that अगर आप लोग आ भी जाओगे ना, आप लोग ना शहर से मिल पाओगे ना मुझसे मिल पाओगे, so मतलब करण परमवीर जी, it's just that डॉक्टर ने हम दोनों को कुछ दिन के लिए क्वारंटीन बोला है, so but you don't worry, don't stress, मैं हूँ, मैं सब संभाल लूंगा, so अरे ये क्या, 3-4 साबुन और रखो, ठीक है, टॉवल्स दिखाओ, कम से कम 10-12 टॉवल्स होने, 2 टॉवल्स क्यों रखे हैं, और 3-4 पानी के कैन होने चाहिए, ठीक है ना, समझ में आ गए, चलो उठाओ जल्दी से रखो, हर चीज डबल डबल रखो, ट्रिपल रखो, समझे, लेके जाओ जल्दी से। पुरकी रह गया अब हर्षदीप, सच्ची 10 ये सब तूने जानबूझ के किया है ना? मासी जी आप मेरे गुरु हो, पॉलिटिक्स मैंने आपसे तो सीखी है, अब आपसे क्या छिपाना। देखिया रिंपल, मैं कह सी ना गल नहीं है सिंपल। मासी जी देखो, मैं जानती थी आपका ये जो 90 वाला तीर है ना, वो निशाने पर तो क्या, निशाने के पास भी नहीं बैठना, इसलिए मासी जी शहर और राजवीर को पास लाने के लिए मैंने ये नया पैंतरा खेला। चल ठीक है, डॉक्टर ने तेरे कहने पर क्वारंटीन तो बोल दिया, मैंने एक गल दस, शहर को बुखार कैसे हुआ? मासी जी वो सब ना पिन्नी का कमाल है, पिन्नी जो खिलाई थी मैंने रात को, उस पिन्नी में मैंने जड़ी बूटी मिलाई थी जो शरीर में बुखार पैदा करती है। लेकिन राज शहर को एकदम से ऐसे फीवर कैसे हो गया? ये तो पता नहीं वीर जी, पर हाँ इतना जरूर पता है कि मैं शहर का पूरा ख्याल रखूंगा, सो आप चिंता मत करना। लेकिन राजवीर तुम अपना भी ख्याल रखना, रब ना करे कोई भी प्रॉब्लम हो। और हाँ याद रखना कि वी आर जस्ट अ कॉल अवे, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। और हाँ किसी भी तरीके की कोई टेंशन मत लेना, और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं, हिम्मत बिल्कुल मत हारना। वीर जी आप लोग ऐसे क्यों बात करो जैसे मैं किसी जंग पर जा रहा हूँ। जंग नहीं राज, वर्ल्ड वॉर है, वर्ल्ड वॉर। शहर को जब भी बचपन से फीवर होता है ना, वो कुछ और ही बन जाती। कोई और बन जाती है मतलब? शहर छोटी बच्ची बन जाती है, रोती है, जिद करती है, और चीजें उठा के इधर-उधर फेंकने लगती है। और तुम्हें पता है पूरी फौज लगती है उसको संभालने के लिए, और तुम बेचारे अकेले क्या कर पाओगे? Exactly, क्या कर पाओगे? कुछ भी नहीं। सॉरी करण परमवीर जी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, रोना चिल्लाना चीजें फेंकना जिद करना इन सब के अलावा क्या क्या करती है? समझाते हैं समझाते। एक काम करो जरा कॉपी पेन निकालो। हाँ चलो। ओहो मासी जी तुसे टेंशन क्यों ले रहे हो, उस जड़ी बूटी से ना शहर को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ये सब तो मैंने इसलिए किया ताकि वो दोनों को मैं एक कमरे में बंद कर सकूं। तो मतलब उस डॉक्टर को तूने पुत्र? बेड़ा गरक। क्या फायदा 24 घंटे जासूसी नॉवल पढ़ते रहने का कि आपको इतनी बात भी समझ में नहीं आई? जाहिर सी बात है कि हर्ष ने ही कहा होगा डॉक्टर को क्वारंटीन की बात कहने के लिए। वाह भाई वाह, मान गए हर्ष पुत्र। ओ सीख कुछ, इसको कहते हैं आइडिया, नाइटी लेके आ गई। मेरा तीर हमेशा निशाने पे ही लगता है, टट्टू लगता है। अब बढ़ती उम्र के साथ ना तेरी नजर और तेरे तीर दोनों कमजोर हो गए। मासी उड़ा लो दोनों के दोनों मिलके मेरा मजाक। ये क्या बात हुई, हर्ष जो है अपनी इस गुरु से भी ज्यादा समझदार हो गई है, इसका मतलब? नहीं, बिल्कुल नहीं मासी जी, आप मेरे गुरु थे और हमेशा रहोगे। तो ठीक है फिर एक गल सुन ले अपने इस गुरु की, ये तेरा जो आइडिया है ना इससे कुछ नहीं होने वाला, जीरो रिजल्ट आएगा, जीरो। शर्त लगा ले मेरे साथ 10-10 लाख की, लगा। तो ठीक है मासी जी, लगी शर्त 10-10 लाख की। देख लेना कल सुबह सूरज उगने से पहले कुछ ना कुछ तो जरूर हो जाएगा।
झटते मेहर करो, ये शेरनी को संभालन दी, हिम्मत बख्शना प्लीज। राजवीर, राजवीर। जब शहर को फीवर होता है ना, तो नींद में वो कुछ कुछ बड़बड़ाने लगती है। वो सिर्फ बड़बड़ाती नहीं है, वो अपनी बातें इशारों में समझाने की कोशिश करती है। मुझे इस समय क्या करना चाहिए फिर? तुम्हें उसके एक एक इशारे को समझना होगा और वो काम फौरन करना होगा। और अगर फौरन नहीं करा ना, तो पंगा कर देगी और गुस्से में चिल्लाने लगेगी। और एक बार शहर ने चीख मारी तो रबी रखा। मतलब शहर ने अगर चीख मारी तो वो जाग जाएगी और रोने लगेगी।